बलरामपुर जिले के समाजवादी पार्टी के मुखिया की सरकार बलरामपुर ने झेली है पूरे जनपद ने। स्थिति यह था कि पूरे पूरे थाने बिकते थे, चौकी थाने सारे पुलिस वाले सब कुछ कहते थे कि किसी भी उनके लोगों का जब भी कोई ऐसा कार्यकर्ता वहां जिद करता था गाड़ी निकलवाता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बलरामपुर की बनी जनपद में आई तब से ये स्थिति हुआ कि वहां पे कहीं भी कोई गलत काम नहीं हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी का जो सदस्य है या कार्यकर्ता है वो नंबर एक का चलता है। थाने पे कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं दिखाई पड़ेगा। क्या नाम है आपका? नंदलाल तिवारी। क्या करते हैं नंदलाल जी? जी हम प्रेस में हैं। भाजपा में है जी? प्रेस में है। मैंने देखा है। नहीं नहीं, मतलब आप किसके नगर महामंत्री हैं? बीजेपी के नगर महामंत्री हैं। आप पत्रकार बता रहे थे अपने आप को? हमने बोल रहा पत्रकार भी है, पत्रकार भी है। बलरामपुर जनपद को नजदीक से देखा है, मैं लोकल प्रेस देखता हूँ। मैंने बलरामपुर जनपद को नजदीक से देखा है, मैं लोकल में काम करता हूँ। लोकल प्रेस में है हम सर, बलरामपुर अखबार से ये छपता है लोकल में। क्या नाम है अखबार का? ट्रोलिंग नहीं, ट्रोलिंग नहीं। चुप रहो। अखबार अखबार का नाम क्या है सर? बलरामपुर जन संदेश। बलरामपुर जन संदेश जी। आप उसके रिपोर्टर हैं? रिपोर्टर हैं सर, इसलिए बलरामपुर को हमने बहुत नजदीक से देखा। और भाजपा के नगर महामंत्री भी हैं? नहीं सर, भारतीय जनता पार्टी के नगर महामंत्री तो हैं अपनी जगह पे है, लेकिन बलरामपुर में जब ये यूनिवर्सिटी बनी थी, सर यूनिवर्सिटी जब बनी थी, एमएलके पीजी कॉलेज जब यूनिवर्सिटी में पास होनी थी, तो डॉक्टर एसपी यादव जो समाजवादी पार्टी के जिले के मुखिया हैं उन्होंने नहीं पास होने दिया बलराम, और वो सिद्धार्थनगर चला गया, सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी चला गया। ये समाजवादी पार्टी की बलरामपुर की सोच है कि इसको कहीं भी यूनिवर्सिटी ना बनाया जाए। भाई हमको बोले, मेरे पास माइक है थोड़ा, हमको भी बोलने दिया करो, हमको अच्छा लगता है माइक पे बोलना। हाँ तो यार वो बात सही है, लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, मतलब आप उस सवाल को स्किप कर गए कि आप पत्रकार भी हैं और इधर नहीं, हमको महामंत्री भी देखा है, नजदीक से देखा है जी। लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ कैसे बैलेंस करते हैं आप? नहीं सर, हम मेहनत करते हैं, हम लोगों तक पहुँचते हैं, हम समझते हैं बलरामपुर में कि कौन किस स्थिति से गुजर रहा है। सारी पार्टियां हमने देखी हैं। बलरामपुर जन संदेश को कोई सीरियसली पढ़ता है कि नहीं? मतलब लोगों को, लोग ये नहीं कहते होंगे भाजपा के रिपोर्टर हैं, ऐसा नहीं? ऐसा कुछ नहीं है सर, हम बिल्कुल निष्पक्ष, जो भी लिखते हैं वो निष्पक्ष लिखते हैं, हमारे उसमें किसी का पक्ष नहीं होता है। अगर समाजवादी पार्टी अच्छा काम करती है तो हम समाजवादी पार्टी के लिए अच्छा लिखते हैं। उन्होंने कुछ अच्छा काम भी किया कि नहीं? जी बिल्कुल किया, ये किया कि सर समाजवादी पार्टी के डॉक्टर एसपी यादव जी ने एमएलके पीजी कॉलेज में जो केमिस्ट्री विभाग था उसको वो छोड़ के चले गए, और ऐसी स्थिति पर चले गए जो एडहाक के नाम पर, चूंकि उनको मंत्रालय देखना था, जब वो दो काम कर रहे हैं तो दोनों काम एक साथ कर नहीं सकते हैं। और भाई भतीजा उनके जितने भी परिवार वाले हैं वो सब इकट्ठा होके पूरा काम देखते हैं, यहाँ से लखनऊ और पूरे जिले को बकायदा देखते हैं, पूरा परिवार समाजवादी पार्टी में ही है जी। अब कोई जिला पंचायत सदस्य है? अच्छा काम बता रहे थे कि आप यंग मानव छोड़ रहे थे। नहीं नहीं, हम अच्छा काम नहीं, मेहनत करते हैं ये लोग सेटिंग करते हैं, और काम कितना होता है ये दिखाई पड़ता है। सर आप सच बता रहे हैं, आप बहुत बहुत गहरा वाला मार रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं सर, जो काम है वो तो दिखाई पड़ेगा ना। अच्छा।